अगर आप एक 5G फोन ढूंढ रहे हैं 10,000 की रेंज में, आपका बजट 10,000 से कमी भी है, तब भी मैं एक 5G ऐसा फोन बताने वाला हूं जो कि आपका रैम मैनेजमेंट, स्टोरेज, बैटरी, डिस्प्ले, मोबाइल का लुक वाइज एक नंबर आपको मिलेगा। आप साइड में देख पा रहे होंगे फोन कौन सा है, मैं फोन का नाम भी बताऊंगा, फोन का कहां से आपको परचेस करना है, 10,000 की रेंज से आपको कैसे कम मिल सकता है, तो ऑफलाइन मिलेगा कि ऑनलाइन मिलेगा, और कैसे। वीडियो में बने रहिएगा, अभी वीडियो को एक लाइक करके आप वीडियो आगे देखिए, क्योंकि आप अगर एक लाइक करते हैं तो हमारा चैनल जल्दी से ग्रो करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, कौन है ये, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहां से परचेस कर सकते हैं, सभी इसमें हाईलाइट की बात करूंगा, आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा वीडियो में, और इसका बताऊंगा परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए इस फोन का डिटेल्स जान लेते हैं, पूरा हाईलाइट जान लेते हैं, ये फोन कैसा रहेगा आपके लिए, और पब्लिक का भी हुई देख लेते हैं कैसा है, ये पब्लिक परचेस करके खुश है या नहीं खुश है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। जिस फोन की मैं बात कर रहा था उस फोन का नाम है पोको M6 Pro 5G। दोस्तों, ये आपको 10,000 के रेंज में मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसकी हाईलाइट की बात कर लेते हैं, इसमें स्नैपड्रैगन 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 17.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। दोस्तों, यहाँ पे हाईलाइट आप देख सकते हैं, फोन का लुक वाइज देख सकते हैं। चलिए मैं इसकी हाईलाइट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, आपके पास अगर 10,000 का बजट है तो आप यहाँ पे परचेस कर लीजिएगा 4GB वाला रैम और 64GB के साथ, तो आपका 10,000 में मिल जाएगा। 9,000 में परचेस करना चाहते हैं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड या कोई भी कार्ड होगा SBI का, तो उसको अप्लाई करके आप इसको 9,999 में परचेस कर सकते हैं। चलिए इसकी हाईलाइट की बात कर लेते हैं, उसके बाद पब्लिक का रिव्यू देख लेते हैं कैसा है। दो साइज 11,999 है, जो कि 12,000 तक है, क्योंकि 6GB 128GB के साथ आता है। अगर आप इसका 4GB वाला वेरियंट करते हैं तो आपको ये 11,000 या 10,500 में मिल जाएगा। अगर आप भी और भी कम लेना चाहते हैं तो इसको बाई नाउ करते वक्त आपको क्रेडिट कार्ड या SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देना है, तो 1,000 और आपको ऑफ मिल जाएगा, तो 9,999 में ये फोन आपको मिल जाए। चलिए लाइट की बात कर लें तो 6GB 128GB रोम के साथ आता है। दोस्तों, प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 4Gen का 2 Octa-Core प्रोसेसर 2.2 GHz पे लगा हुआ है, जो कि 4nm के बेस पे इसका चिपसेट है। जितना चिपसेट कम रहेगा नंबर, उतना परफॉर्मेंस फोन का अच्छा रहेगा। इसमें 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा आता है बैक का, और फ्रंट का कैमरा 8 मेगापिक्सल का आता है। इसका डिस्प्ले की बात कर लें तो 6.79 का फुल HD 90Hz का डिस्प्ले आता है दोस्तों, जो कि बहुत ही स्मूथ चलेगा आपका फोन। 5000mAh की बैटरी आती है, जो कि दिन भर बैकअप आपको अच्छे से निकाल देगा। यहाँ पे नेटवर्क टाइप की बात करें, यहाँ टाइप की बात करें दोस्तों, 2G 3G 4G 4G आप OLTP पे यूज कर सकते हैं, 5G आप सिर्फ इसमें 5G चला सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा बैंड नहीं है, शायद 11 या 12 आप 5G चला सकते हैं। 5G चलेगा दोस्तों, अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है कि 5G नहीं चलेगा, 5G चलेगा, बेस्ट चलेगा। ये फोन मेरा दोस्त परचेस किया है, मैं उसका फोन यूज करके देखा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। चलिए इसके इन द बॉक्स के अंदर क्या आता है, हैंडसेट के अंदर 22.5W का चार्जर आ जाता है, प्लस USB Type-C के साथ आ जाता है। तो दोस्तों, चलिए पब्लिक का रिव्यू देख लेते हैं, पब्लिक इससे क्या खुश है। चलिए कैमरा के मामले में इसको 5 में से 3.6 मिला है, बैटरी के मामले में दोस्तों 4 पॉइंट गया है, 5 में से 4 डिस्प्ले गया है, और 5 में से 4.2 डिजाइन के मामले में गया है। परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में ये 5 में से 3.9 में जाता है, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। चलिए यहाँ पब्लिक का रिव्यू देख लेते हैं क्या लिखा है। बेस्ट मोबाइल एट द प्राइस रेंज, मतलब बेस्ट फोन यहाँ पे देख सकते हैं, 4 पॉइंट का रेटिंग। कैमरा सैंपल देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कैमरा सैंपल कितना मस्त बेस्ट हाईलाइट करके दे रहा है, आपको निराश तो नहीं करेगा ये फोन। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मैं लाता रहूँगा आपको पूरा रिव्यू। आपके लिए फोन बेस्ट है, आप अगर घर के लिए खरीदें, अपने लिए खरीदें, फिर भी आपका फोन चलाने का एक्सपीरियंस ये आपको निराश नहीं करेगी। दोस्तों, वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी सी वीडियो के साथ। आप कोशिश करिएगा कि वीडियो को मेरा लाइक करके जाइएगा। दोस्तों, कोई भी सवाल जो कमेंट करके पूछिए, मैं वहां से आपको रिप्लाई करता हूं।